जंग जनता के संग। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में एक बार फिर निशा नैयर का नमस्कार। श्रोताओं, देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक के लिए लागू हो गया है। इस चरण की विशेषता यह है कि इसमें देश भर को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटकर विभिन्न सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। इस बारे में आप और हम सब भली भांति जानते हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूर, छात्र, पर्यटक और कुछ ऐसे व्यक्ति जो लॉकडाउन शुरू होने के पहले किन्हीं कार्यों से प्रदेश में आए थे या यहां से बाहर गए थे, लेकिन वे लॉकडाउन में जहां थे वहीं फंस गए, मगर अब इनके जाने और आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही कोरोना से लड़ाई का महत्वपूर्ण चरण भी प्रारंभ हो चुका है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस संबंध में लोगों से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी किसी भी तरह से न छुपाएं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी क्वारंटाइन नियम का पालन करें। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की रेल यात्रा का किराया भी राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आकाशवाणी रायपुर के समाचार प्रमुख विकल्प शुक्ला ने बात की प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों आदि के उनके गृह राज्य में लौटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए ट्रेनों के संचालन का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक, विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं? जब भारत सरकार ने ये निर्देश दिया था कि अपने लोगों को लाने के लिए बसों का उपयोग करें, उसी समय मैंने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से दूरभाष से चर्चा की कि जो दूर राज्य में बैठे हुए लोग हमारे हैं जी, उन्हें यदि लाना है तो बस व्यवहारिक नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ट्रेन चलाया जाना चाहिए, चाहे आसाम हो, चाहे जम्मू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हमारे दक्षिण के राज्य कर्नाटक या केरल के हों। यहाँ बस के बजाय ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक होगी और उस बात को उन्होंने माना और पूरे देश में ट्रेन सुविधा प्रारंभ की गई है। लेकिन उसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि ट्रेन की सुविधा कल से शुरू हुई है। सबसे पहले झारखंड में संचालित किया गया जो हमारी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरी जी, अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के ट्रेनें चलाई जा रही है। हमने भी मांग की है अलग अलग राज्यों से कितनी ट्रेन हमको चाहिए, क्योंकि हमारे मजदूर और दूसरे सब साथी लोग फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए जो आंकड़े हमारे पास है उसके अनुसार ट्रेन संचालित करने के लिए हमने पत्र भेजा है भारत सरकार को जी। सर, छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो जो कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन जब दूसरे राज्यों में फंसे ये मजदूर या अन्य व्यक्ति जब हमारे राज्य में वापस आएंगे तब संक्रमण न फैले, इसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, पहले दौर को तो हम लोग बहुत अच्छे से उसका सामना किया और हमारे यहाँ अभी तक कुल 43 ही कोरोना पॉजिटिव मिले, उसमें से 36 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं जी। 7 कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा है और उसके भी स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। तो प्रथम चरण में हमने ठीक से सामना किया। जो द्वितीय चरण है जिसमें हजारों के तादाद में मजदूर आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, दूसरे अन्य लोग भी आएंगे, अब वो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग कोरोना कैरियर हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग कोरोना कैरियर हो सकते हैं और वो विभिन्न शहरों में, कस्बों में, गांव में जाएंगे। तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, असली चुनौती अब सामने आएगा जी। जब वो लोग आएंगे और उसका बिहेवियर किस प्रकार से होगा, तो ये चुनौती हमारे लिए ज्यादा बड़ी है और इसे हमको डटकर मुकाबला करना है। और इसके लिए जो तैयारी हमारी है जी, वो यही है कि जितने भी लोग आए उसके पहले टेस्ट होगी, उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। गांव-गांव में निर्देश दे दिए गए हैं सभी सरपंचों को कलेक्टर के माध्यम से, और वहां जितने भी पंचायत स्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहायिका हो या मितानिन हो, कोटवार हो, ये सबकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सूचना दे के आए या बिना सूचना दे चुपचाप आ गए हैं, इसकी जानकारी वो संबंधित अपने
उस पदस्थ अधिकारियों को वो देंगे ताकि उनको क्वारंटाइन में रखा जा सके, उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, उसकी जांच की जा सके और जो आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती है वो हम दे सकेंगे। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो अभी लॉकडाउन का बहुत बढ़िया पालन किए। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया रहा जी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसे जिस प्रकार से लिया है पूरे देश में चर्चा है, चाहे यहाँ के हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभिन्न विभाग के, चाहे वो महिला बाल विकास के हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे वो विद्युत विभाग के हो, चाहे गृह विभाग के हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे खाद्य विभाग के हो, सब लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे जनसंपर्क विभाग के लोगों ने खूब काम किया जी। जो संदेश है सरकार के उसको आम जनता तक पहुंचाने में मीडिया के लोगों ने खूब अच्छा काम किया, समाज सेवी संगठनों ने बहुत बढ़िया काम किया, विभिन्न संगठनों ने इतना बढ़िया काम किया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई और सारी सुविधाएं हैं तो लोगों तक पहुंचती रही है। उसी कारण से कोरोना को परास्त करने में अभी तक के सफल रहे हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के श्रमिकों की सकुशल घर वापसी और अन्य जरूरी सहायता के लिए प्रदेश शासन के श्रम विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 0771-2443-809, दूसरा नंबर है 9109849992, तीसरा नंबर है 7587821800, चौथा नंबर है 7587822800, अगला नंबर है 9685850444, एक और नंबर है 9109283986 और अंतिम नंबर है 8827773986। ये नंबर 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। सीमित अवधि के लिए प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक अन्य राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। उत्तर प्रदेश के लिए 7587821800 और दूसरा नंबर है 9685850444। दिल्ली और हरियाणा के लिए नंबर है 7477213986 और बिहार के लिए 8819953807। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8349468006। इन नंबरों की सहायता से श्रमिक भाई और उनके परिवार सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रदेश की मुखिया का संदेश। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के फर्स्ट फेज को हमने बहुत अच्छे से सामना किया है और आप लोगों ने जो धैर्य और संयम का परिचय दिया है उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन अब बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है कि हमारे ही भाई, हमारे ही अपने लोग जो दूसरे प्रदेश में फंसे हैं वो वापस आएंगे, चाहे वो कमाने खाने गए थे या पढ़ाई करने गए थे या व्यापार करने गए थे या रिश्तेदारी में गए थे, सब लोग वापस लौटेंगे। तो ऐसे समय में ज्यादा धैर्य और संयम की आवश्यकता है और उन लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार भी हो और उन्हें क्वारंटाइन में रखें, उसे दूरी बना के रखें और कोई भी व्यक्ति यदि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में वो आते हैं तो प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दें ताकि उनके उचित व्यवस्था की जा सके और ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तभी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, रविवार यानी 3 मई को भारतीय सेना ने पूरे देश के कोरोना योद्धाओं के लिए अस्पतालों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया।
इस ऐतिहासिक कार्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल दोनों पर ही पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर अस्पतालों के चिकित्सक अधिकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर में बैठे जवानों का ताली बजाकर अभिवादन किया। आकाशवाणी समाचार ने इस ऐतिहासिक अवसर पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर से बात की। क्योंकि देखिए सबको एक प्रेरणादायक एक मौका है ये, जब प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा और अपने सीडीएसआर रावत साहब ने जब ये कहा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और अपने जितने ये जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिक्योरिटी, उनको बेसिकली उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बड़ा कदम था और ये देश भर किया गया। और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि हमारा जो स्टाफ जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अब ये सोचिए उनका कितना हौसला बढ़ता है, 24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं अपने परिवारों को छोड़ करके, उनके लिए तो वही सही में एक बहुत बड़ा एक यादगार ये लम्हा उनके लिए। मैं खुशी मुझे इसलिए मैं जाहिर कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल टीम वर्क रहा। मैं जो बार बार जिसका जिक्र किया, पहले से ही प्लानिंग करना कि ऐसे आने वाले मरीज आएंगे तो क्या करेंगे, तो ऐसा कोई दुविधा नहीं थी। जैसे मरीज आए, शुरुआत से ही उनकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग, किस तरह उनका मैनेजमेंट होगा, कौन सी दवाइयां जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के तहत करानी है, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, बड़ा साइंटिफिकली ये सब टीम ने किया। श्रोताओं, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात हो और पुलिस कर्मियों की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। पुलिस कर्मियों के द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को हम सभी जानते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जा रहे हैं। इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के समाचार प्रमुख विकल्प शुक्ला ने बात की राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी से। ये जानना था, एक बहुत अच्छी पहल हुई है, ये अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका एक कोरोना रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो सर, इसका उद्देश्य क्या है और किन अधिकारियों कर्मचारियों को इस टेस्ट के लिए चुना गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो लगातार निरंतर उसमें ड्यूटी कर रहे हैं जी, और वे लोगों के संपर्क में भी आते हैं जी, और जैसे सड़क पे किसी को रोकना है, चौराहे पे रोकना है, तो अनजाने में भी लोगों के संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं जी। कुछ गाड़ियां बाहर से आती हैं जो प्रदेश के जो आवश्यक सेवाओं की हैं जी। मैंने ये सोचा कि ऐसा नहीं हो कि इन्हें कहीं इन्फेक्ट हो जाए और फिर उनके साथ साथ दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो जाए जी, और सामान्य आदमी को भी जब रोकते हैं तो वो भी उनसे इन्फेक्ट हो जाएगा जी। तो मैंने इसलिए कहा कि कोरोना का टेस्ट जो लोग हैं, सबसे पहले जो 50 साल की उम्र के हैं उनको कराया जाए जी, और जो लोग एक्टिव ड्यूटी में उनको कराया जाए, जो बाकी जनरल ड्यूटी कर रहे हैं उनको ना कराया जी। सर, तो अंदाजन सर कितने जो है वो पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का किया जाएगा सर? वो सभी जिलों में करने के आदेश दिए गए हैं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि सब मिला के कई हजार लोगों का टेस्ट होगा, धीरे धीरे क्रमवार होगा जी। सर, अभी जितने भी टेस्ट हुए हैं क्या उसमें से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं आई है ना? रैपिड अभी तक किसी की भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। सर, एक अंतिम सवाल ये था कि ये तो रैपिड टेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी पहल है ही एहतियात के लिए, लेकिन फील्ड में जो भी अधिकारी अभी तैनात है, क्योंकि रैपिड टेस्ट के बाद भी वो तैनात रहेंगे, तो उनको आप एक पुलिस विभाग के मुखिया की ओर से आपने उनको क्या परामर्श, क्या सलाह दी है, क्या सावधानियां वो बरतें? इस संबंध में हमने उनको बिल्कुल आवश्यक दिशा निर्देश जब लॉकडाउन हुआ था उसी समय जारी किए थे और बार बार उसको बता रहे हैं कि खुद मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रहें, लोगों के संपर्क नहीं रहें और जितने भी नियम है उनका पालन करें और ड्यूटी भी करें और अपनी हिफाजत भी करें। अभी तक सभी कर्मचारी हमारे बार बार उनको हम दोहरा रहे हैं तो वो उसको पालन कर रहे हैं। और बहुत अच्छी पहल भी हो रही है सर, जैसे रायपुर में जो है वो लाठी में ही सैनिटाइजर का प्रयोग शुरू किया गया है। जी हाँ, वो सभी जिलों में कुछ न कुछ नया हो रहा है, सब लोगों को अपने अपने हिसाब से, वो न केवल पुलिस ने एक अच्छी ड्यूटी की है बल्कि एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है और नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और अच्छी बात है, खुशी की बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी से बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता कार्य किए जा रहे हैं, बात मनरेगा की हो या खाद्य वितरण की। ग्रामीण जनों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के प्रयास सतत जारी हैं।
इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ बलरामपुर जिले के ग्रामीण जनों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार से कुछ हितग्राहियों ने बातचीत की। साल से पैसा मिलना पेंशन पैसा अभी साल पूरी लेकिन ये लड़का छुआ घर हके मोर जर धर खोखी सर्दी खांसी धर ओकर में कड़ी सहारा कर दिले घरे हम खा ले तनी मन ही ते यो राशन चावल मिल जा सरकार पर से तो मुझे बहुत सर सहारा मिल जा थी अभी तो यो नहीं मिल तक हले तो मैं कहाँ का करतु ककरो से हे सब महाजन से ऋण बाँचतु तो कर्जा बाँचतु तो डेढ़ हाथ बाढ़ी बाँचतु तब नहीं मैं लेकर चुके जर जमीन के मेडिकल जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ तो डॉक्टर यहाँ अखने डॉक्टर बोलाता हूँ वो पैसा लेता 1000 दे कहाँ से मैं यो सारा कटी कर देता नहीं मनी मिल जाए महीना में 300 रुपया ओके जुगाड़ कर रोन वह छुआ पुता कटी सारा कर दे 350 रुपया पेंशन मतलब महीना मिलता है और चावल वावल मिल जाता है राशन। मैं इसी से अपना दवा खाना पीना किसी तरह से चला रहा हूँ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है किसी तरह सरकार के द्वारा चावल भी मिल रहा है किसी तरह अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। हाँ बहुत सहारा हुआ अभी मिल गया है लॉकडाउन में तो बहुत सहारा हो गया। आकाशवाणी समाचार ने कटीमा गांव के पंचायत सचिव चंदन से भी इस बारे में बात की। मेरे ग्राम पंचायत में सभी अलग अलग योजनाओं के कुल 112 पेंशनधारी हितग्राही हैं जिनमें से 33 खाता खुल चुका है। कुछ डीबीटी के माध्यम से भुगतान होता है कुछ खाते में जाते हैं उनके पैसे और बाकी जो बच गए हैं उनसे हम उनके खाता मंगा रहे हैं और जो खाता खुलवाने लायक है उनको खाता खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ में हमने बैंक के माध्यम संपर्क साधा हुआ है कि वो यहाँ आके उनका खाता भी खोल दें और जिनका खाता मिल रहा है वो तो उनको हम इंगित कर देते हैं कि वे जाकर अपने खाते से अपना राशि आहरण करके अपने जीव का पालन करें। साथ ही हम इस लॉकडाउन घड़ी में शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना जो पेंशन योजना है उसके तहत हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पेंशनधारी हैं जिनको हम कैश पेमेंट करते हैं अभी फिलहाल उनको मतलब लॉकडाउन के तहत यहाँ आके रह के उनको पैसा मुहैया कराते हैं ताकि उनको लॉकडाउन के तहत कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनकी दिनचर्या में रोजमर्रा की चीज़ों में खरीदने वाले सामान सब्जी वगैरह दवा वगैरह दाल वगैरह इस सब में उनको कभी किसी चीज़ के लिए मतलब समस्या ना हो। आकाशवाणी समाचार ने इस संबंध में कुसमी के जनपद सीईओ विनोद जायसवाल से भी बातचीत की। जनपद पंचायत कुसमी के अंतर्गत 77 ग्राम पंचायत है। 77 ग्राम पंचायत में केंद्र पेंशन योजना एवं राज्य पेंशन योजना के तहत 9480 पेंशन हितग्राही हैं जिनको राज्य मुख्यमंत्री पेंशन योजना का भुगतान मार्च तक और जो केंद्र पेंशन योजना है उसे अप्रैल तक का भुगतान कर दिया गया है जिसमें कि 70% लोगों को डायरेक्ट खाते में हम पैसा जमा करते हैं। जो वृद्ध हैं बैंक नहीं जा पाते हैं उनको हम ग्राम पंचायत के खाते में डालकर उनका भुगतान सही ढंग से करवाते हैं। कोरोना से जंग के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों व्यक्तियों द्वारा देश और प्रदेश शासन को आर्थिक सहायता पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बालोद के हमाल संघ के अध्यक्ष मौजीराम यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया। मैं एक हमारे देश में सब कोरोना से पीड़ित होकर के सब बहुत परेशानी हो रही है इसलिए हम लोग एक एक पैसा जोड़ करके हम मजदूर संघ से 11000 सीएम को प्रदान किए और पीएम कोड में भी 11000 मजदूर संघ द्वारा हमाल संघ धान संग्रहण केंद्र द्वारा हम लोग दिए हैं। श्रोताओं इस लॉकडाउन के दौरान स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा सतत पढ़ाई जारी रखने के प्रयास जारी हैं।
इसी कड़ी में कक्षा पहली से बारहवीं तक के दिव्यांग बच्चों को प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान सुपीला के शिक्षक बखूबी अपना दायित्व निभाते हुए प्रतिदिन दो घंटे तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इन बातों के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार ने प्रयास के प्राचार्य श्री राजेश पांडे से बातचीत की। सर, प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और अभी लॉकडाउन के दौरान आपने जो ये निर्णय किया है तो इसे आप किस तरीके से निभा रहे हैं और दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए ये आइडिया आपको कहाँ से आया? कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ शासन ने जब ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जी, तब हमारे मन में आया कि सामान्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो मिल जाएगी जी, लेकिन दिव्यांग बच्चों का क्या होगा, उन्हें भी हमें ऑनलाइन शिक्षा देनी चाहिए जी। और इसी विचार के साथ श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा देने की बात मन में आई और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चालू किया। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं जी, वो वही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं जो सीजी बोर्ड के हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जी, सेम कोर्सेज रहते हैं इन लोगों के और इनको पढ़ाने का बस तरीका अलग होता है। तो लॉकडाउन के दौरान हमने सभी छात्र छात्राओं का कक्षा अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके बाद शिक्षक को वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग अपने घर में ही रहकर कक्षा के अनुरूप वीडियो बनाइए और अपने अपने कक्षा में उसको डालते जाइए और कोई भी शंका हो तो बच्चे वीडियो कॉलिंग करके साइन के द्वारा टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर जो है वो साइन के द्वारा उनको बताएंगे। इन पूरे ग्रुप को मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और कोई भी समस्या आने पे मैं उनको दिशा निर्देश देता हूँ। सर, ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं श्रवण बाधित के लिए वैसे प्रशिक्षण प्राप्त हैं जी जी, इनलिए उन्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं होती है, केवल ग्रुप बना के घर में वीडियो बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही ज्यादा परेशानी होने पर उन्हें दो दो शिक्षक करके स्कूल में बुलाया गया, उसके बाद यहाँ उनको प्रशिक्षण दिया गया जिससे वो घर में वीडियो बना के बच्चों के ग्रुप में उसको वायरल कर जी। सर, अभी तक कितने प्रदेश के ऐसे दिव्यांग बच्चों को इससे लाभ मिल पाया है? मैडम, अभी मैं अपने जिला का बात करूँ, दुर्ग जिला का, तो 670 बच्चे जो है इनका लाभ ले रहे हैं, जो ऐसे विशेष बच्चे जो है जो विशेष स्कूलों तक पहुँच पाते हैं जी। और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग मान के चलिए 13,500 से 14,000 बच्चे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं जो विशेष स्कूल में इनरोल्ड है, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे। साइन का, जैसे हम हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं आ आई स्वर व्यंजन का, इनका साइन हम उन बच्चों को घर पे ही उपलब्ध कराएं जिससे कुछ हद तक बच्चे सीख तो पाए जी, सब स्तर पर तो आ पाए गांव के बच्चे, ये हम आगे और संचालित करेंगे जी। सर, इसमें कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाई जा रही है? अरे हाँ, अभी वर्तमान में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो हैं उनको उनके कक्षा के अनुरूप पढ़ाई करवाई जा रही है जी। मैं ये कहना चाहूंगा हम सभी आपस में मिलकर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम तो संचालित कर ही रहे हैं जी, किंतु मेरा सोच ये है कि जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है पर्यावरण विषय को कुछ समय तक चलवाया कोर्स में जी, उसी तरह साइंस सिस्टम खास तौर से जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जी, उनके लिए ये पाठ्यक्रम में बेसिक साइंस सिस्टम जो है वो ये अगर कोर्स में डाल सके तो बहुत अच्छा होगा, जिससे सामान्य जन को भी उनके साइंस समझ में आएंगे। जैसे कि कोई बच्चा है ट्रेन में सफर कर रहा है, बाय डियर माँ बाप से बिछुड़ गया, वो बता रहा है कि मैं फलाने जगह का रहने वाला हूँ, तो उसके लिए हमको क्या होता है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को बुलाना पड़ता है जी। तो ये नॉर्मल लोग भी समझ सके कि भाई ये रायपुर बोल रहा है कि ये भिलाई बोल रहा है, हम इसको उतार दे वहाँ पुलिस को दे दे जाके वो अपने घर तक पहुंच सके। दूसरा क्या है, जैसे कोई अपराध उसने देख लिया, वो बता रहा है कि मैंने वहाँ अपराध देखा है, लेकिन कोई आदमी कोई पुलिस वाला उसको समझ नहीं रहा, और जब तक विशेष शिक्षा के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोग वहाँ तक पहुंचेंगे तब तक बहुत लेट हो जाता है। ये बच्चे भी आंख से नॉर्मल है, सब चीज देखते हैं और बता सकते हैं, तो इसको कम से कम लाइनअप करने के लिए हर क्लास में जो बेसिक चीजें है, बेसिक साइंस सिस्टम है, उसको शासन को लागू करना चाहिए मेरे विचार से। श्रोताओं, कार्यक्रम की आज की कड़ी से चलते चलते प्रदेश के लोक संगीत की बात कर लें। हमारे राज्य का गीत अरपा पैरी के धार, जिसे जांजगीर चांपा के युवा आभास मधुकर और उनके साथियों ने मिलकर एक अलग ही अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत वानगी। अरपा
श्रोताओं, अभी आपने ये राज्य गीत सुना। इस गीत को हमारे युवा कलाकारों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तैयार किया है। इस गीत को तैयार करने के लिए सभी युवाओं ने अपने अपने घरों में गाकर सामाजिक दूरी का पालन करके एक मिसाल कायम कर इस रचनात्मक कार्य को अंजाम दिया है। श्रोताओं, लॉकडाउन का तीसरा चरण विभिन्न सुविधाओं और चुनौतियों के साथ हमारे सामने है, जिसका हमें बहुत ही सावधानी के साथ पालन करना है, क्योंकि सुविधाओं का अर्थ ये नहीं कि हम कोरोना मुक्त हो गए हैं, बल्कि चुनौतियां और बढ़ी हैं। हमें और अधिक सतर्क होकर शासन प्रशासन के साथ चलना है, तभी हम अपने प्रदेश, देश और विश्व को कोरोना मुक्त कर पाएंगे। इसीलिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहें आकाशवाणी। बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क लगाकर ही निकलें। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में 8 मई शुक्रवार को सुबह 10:30 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।